चंद पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो, हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का माफ कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इतने मजदूरों को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है, 200 करोड़ रुपए में तो रूपानी का जहाज आ जाता है, ये मूर्ख किसको बना रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो भाजपाइयों, किसको धोखा दे रही है ये केंद्र सरकार। और अगर तुमको 85 और 15 की नौटंकी करनी है तो एक आदेश जारी करो, एक लाइन। एक इनका नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही, अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं, वो भी चादर भेजते हैं। आप अपनी ताकत इकट्ठा कीजिए, सोशल मीडिया की ताकत, व्हाट्सएप की ताकत, फेसबुक की ताकत, ट्विटर की ताकत, और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, आवाज उठाइए कि मजदूरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो। और हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपाइयों, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये गुप्ता परिवार का बच्चा है, गरीबी के कारण ठेला लगाया। जैन साथियों, पूरे देश से इस वक्त प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, उनके साथ हो रही दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, और ऐसे हृदय विदारक दृश्य पूरे देश से आ रहे हैं जिसको देख के आपका दिल दहल जाएगा। आपको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे सरकार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या समाप्त हो गई, सरकार के अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज है या समाप्त हो गई है, सरकार के लिए प्राथमिकताओं में गरीब मजदूर है या नहीं है, सरकार के लिए प्राथमिकताओं में वो माताएं बहनें जो नंगे पांव सड़कों पर चल रही हैं वो है या नहीं, वो मासूम बच्चे जो अटैची के ऊपर सोते हुए जा रहे हैं और उनकी माँ उनको चेन से अटैची खींचते हुए ले जा रही है, वो उनकी प्राथमिकताओं में उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ है कि नहीं। औरैया में जिन 24 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई, उनकी उनके लिए जवाबदेह कौन है? सागर में कल जिन 5 मजदूरों की जान चली गई, उनके लिए जवाबदेह कौन है? मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों की जो जान चली गई, उनके लिए जवाबदेह कौन है? रेल की पटरियों पे 16 लोग जो मजदूर थे बेचारे, जो एक कटोरा चटनी और 150 रोटियां लेके अपने घर के लिए निकले थे, उनकी जान चली गई, वो मजदूर रेल के नीचे दब के मर गए, उनके लिए जवाबदेह कौन है? उनकी जवाबदेही किसकी है? उनकी तकलीफ कौन सुनेगा? उनकी पीड़ा कौन सुनेगा? कौन है जो उनकी उनके इस दर्द को खत्म करेगा? मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है, उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, उसको जनता की प्रॉब्लम की, जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कुछ मुद्दे आज आपके सामने उठाना चाहता हूं, मैं बहुत तकलीफ के साथ कुछ मुद्दे आपके सामने आज उठाना चाहता हूं। कल मैं कई स्थानों पर गया, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे भी गया, मैं कल रात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास भी गया, मैं कल बदरपुर के बॉर्डर पे भी गया जहां से भारी संख्या में लोग अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। उनको कुछ पता नहीं है साथियों, उनसे पूछे तो वो कहते हैं बस घर जाना है। मैं पूछता हूं कैसे, तो कोई जवाब नहीं, पैदल चले जाएंगे जी, रास्ते में क्या होगा, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा, बस एक धुन है घर जाने की, एक बेबसी, एक बेचैनी, इस संकट के घड़ी में उनको अपने घर जाना है। और सरकार की अगर हम बात करें तो वो विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को बुला सकते हैं, कह रहे वंदे भारत मिशन हम चलाएंगे, विदेशों से भारत लाने के लिए लोगों को आप लाइए, आप विदेशों से भारत लाइए लोगों को, जो भारतीय फंसे हैं अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं, आपने कोटा से छात्रों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया, हम उसकी सराहना करते हैं। तो क्या इन गरीब मजदूरों की पीड़ा आपको नहीं दिख रही है? ये आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है, सिर्फ हवाई जहाज से चलने वाले आपकी प्राथमिकताओं में है। ये गरीब मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे? मात्र ट्रेन की सुविधा, मात्र ट्रेन की सुविधा, और वो भी कितने दिन की? अगर मान लीजिए कि घर जाने वालों की संख्या 4 करोड़ भी अधिकतम है, पूरे देश से 4 करोड़ मजदूर मान लीजिए अपने घर जाना चाहते हैं, तो रेलवे की क्षमता प्रतिदिन 2 करोड़ 30 लाख यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा
यात्रियों को प्रतिदिन यात्रा कराने की क्षमता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता है। यानी 2 दिन के अंदर रेलवे अगर चाहे रास्ते में जाने का जो समय लगता है वो अलग, लेकिन 2 दिन के अंदर इन मजदूरों की पीड़ा का समाधान केंद्र सरकार और भाजपा सरकार कर सकती है। लेकिन भाजपा की बेशर्म सरकार, मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता, जिसको इनकी तकलीफ नहीं दिखती, जिसको इनकी पीड़ा नहीं दिखती, जिनको इनकी मौत नहीं दिखती, जो हर बात पे हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ करते हैं, जो 68,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का नीरव मोदी मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर सकते हैं, जो 2.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, उनको इस गरीब आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ 100 करोड़ रुपए का पैकेज करना है। 50 लाख मजदूरों पर अगर 1,000 का भी खर्चा मान ले उनके घरों पर पहुंचाने का, तो भी 500 करोड़ रुपए हुआ। अगर आप 4 करोड़ मजदूरों को भी पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ 1,000 करोड़ रुपए हुआ, 2-3 हजार, ए ए ए 500 करोड़ रुपए हुआ। 50 लाख मजदूरों पे अगर 1,000 आप खर्च करते हैं, 1 करोड़ मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, 4 करोड़ मजदूरों के लिए 4,000 करोड़ रुपए। अरे तुम 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो, 1,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का माफ कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने मजदूरों को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है, उनके भाग्य भरोसे उनको छोड़ दिया है, उनके लिए 2-4 हजार करोड़ का भी पैकेज तुम्हारे पास नहीं है? 200 करोड़ रुपए में तो रूपानी का जहाज आ जाता है, जो गुजरात का मुख्यमंत्री है उसका हवाई जहाज 200 करोड़ में आता है, और इन गरीब मजदूरों के लिए तुम्हारे पास किराए का इंतजाम नहीं है? कहते हो 85% हम देंगे, 15% राज्य देगा। अरे बताओ, सूरत से लेके कानपुर जाने के लिए एक महिला को अपनी पाजेब अपनी पायल बेचनी पड़ी। आप बताइए कि उन महिलाओं को 15% किराया 650 रुपए कैसे हुआ सामान्य किराया? ये मूर्ख किसको बना रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो भाजपाइयों, किसको धोखा दे रही है ये केंद्र सरकार? अरे एक आदेश जारी करो, एक लाइन का, किसी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, और अगर तुमको 85 और 15 की नौटंकी करनी है तो एक आदेश जारी करो एक लाइन का, जिस राज्य में ट्रेन जाएगी उस राज्य से वो पैसा तुम ले लोगे। 2 सरकारों के बीच का समझौता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। हर बात के लिए आदेश केंद्र सरकार जारी कर देती है, इसके लिए कह रही है राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही, राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही है, बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर दिल्ली है, फिर फलाना है, फिर सिर्फ अपोजिशन की सरकारों को टारगेट करना है। एक इनका नेता है संबित पात्रा, वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है। अरे बेशर्मो, जरा शर्म करो, अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं, वो भी चादर भेजते हैं। तुम्हें अजमेर से बंगाल ट्रेन चल रही है तो उसमें भी तुम दिमागी रूप से इतने कंगाल हो चुके हो कि तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है, उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हो। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जरूरत है एक लाइन के आदेश की, कि रेलवे जिस राज्य में ट्रेन भेजेगा वहां की राज्य से वो 15% किराया लेगा, 85% तुम कह रहे हो तुमने फ्री किया है, फिर ये मजदूरों से किराया क्यों लेते हो, क्यों उनसे किराया लिया जा रहा है 650-800? गुजरात के सूरत में मैंने देखा एक भाजपा नेता ने 1,16,000 रुपए इकट्ठा कर लिया मजदूरों से झारखंड के, जब वो पैसा मांगने गए तो न टिकट दिया न पैसा दिया, बुरी तरीके से उनको मारा पीटा लहूलुहान कर दिया। यह है भाजपाइयों की असलियत, ऐसे मौके पर भी टिकट के नाम पर दलाली खा रहे हैं गुजरात में, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज सबको आवाज उठाने की जरूरत है अपने अपने स्तर पे। आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए, वो कभी नहीं दिखाएगा आपकी असलियत को, उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, उनकी बात को छोड़ दीजिए। आप अपनी ताकत इकट्ठा कीजिए, सोशल मीडिया की ताकत, व्हाट्सएप की ताकत, फेसबुक की ताकत, ट्विटर की ताकत, और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, आवाज उठाइए कि मजदूरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो, मजदूरों के लिए तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, मजदूरों को घर क्यों नहीं भेज रहे हो? तुम्हारे लिए 2 दिन है इस समस्या के समाधान के लिए,
रेल मंत्री कहते हैं हम 100 श्रमिक ट्रेन चला रहे हैं। अरे 100 श्रमिक ट्रेन में तो कुल 1,20,000 मजदूर डेली जाएंगे, और 1,20,000 मजदूर के हिसाब से अगर 4 करोड़ मजदूरों को अपने घर जाना है तब तो 333 दिन लगेगा, और 333 दिन में तो वो बेचारे मजदूर रास्ते में चलते चलते मर जाएंगे। इसलिए सबको मिलकर एक स्वर में आवाज लगाकर दबाव बनाना है सरकार के ऊपर कि रेल चालू करो, ट्रेन चालू करो, और राज्यों में जो भी मजदूर चलते हुए मिल रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाओ, चाहे बसों के साधन से चाहे ट्रेन के साधन से, और उनसे एक भी पैसे का किराया मत लो। उनके खाने का इंतजाम करो, उनके पानी का इंतजाम करो। और मैं भी हाथ जोड़कर अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। कल हम लोग गए थे, भाई दिलीप पांडे जी और हम लोग, हमारे साथी सब लोग गए थे, हम गाजीपुर के बॉर्डर पे भी गए, बदरपुर के भी बॉर्डर पे गए, बहुत सारे ऐसे रास्ते में चलते हुए लोग मिले जिनके पास चप्पल नहीं है, जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, जिनके पास पानी का इंतजाम नहीं है। जितने भी राज्यों से चलते हुए लोग मिले, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो चलते हुए लोग मिले उनके लिए भोजन का इंतजाम कीजिए, उनके लिए पानी का इंतजाम कीजिए, उनकी 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 सेवा में अपना समय लगाइए, और जितनी हो सके उनकी मदद कीजिए। हम भी यहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत सारे साथियों ने सहयोग भी किया है, कोई उनको खाने के लिए बिस्किट का इंतजाम कर रहा है, कोई ब्रेड का इंतजाम कर रहा है, कोई केले का इंतजाम कर रहा है, कोई पानी का इंतजाम कर रहा है, कोई भोजन पैकेट का इंतजाम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लोगों से सहयोग ले रहे हैं, और भी आपसे अपील है इसमें सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, एक भी आदमी भूखा ना रहने पाए। और ये क्रूर सत्ता, ये क्रूर व्यवस्था, ये भाजपा की सरकार जिसको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, उसको इस गरीब के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। साथियों आप आवाज उठाइए, एक एक घटना जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं उनको ये दिखा के, मैं कल रात सो नहीं पाया साथियों, बहुत पीड़ा हुई इस तस्वीर को देखिए। 6 लगता है गली में, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था, पुलिस वाले आए, उनने गंदी गंदी गालियां दी, मारे डरने मुझे पुलिस वालों ने। देख लिया आपने, ये छोटा सा मासूम बच्चा, बरेली की ये घटना है, उसको पुलिस वाले मार रहे हैं। इस गरीबी में, इस मजबूरी में उसका बाप ठेले लगाए हुए था, वो घर के अंदर चला गया, बेटा कुछ देर के लिए खड़ा हो गया। और हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपाइयों, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये गुप्ता परिवार का बच्चा है, गरीबी के कारण ठेला लगाया हुआ था, और वो जाके वहां खड़ा हो गया, उसको पूरी तरीके से पुलिस वालों ने पीटा। ये हो रहा है योगी के राज में, ये कर रही योगी की पुलिस। इस मासूम बच्चे को मारा गया, कल वहां के एक भारत समाचार टीवी चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, और आज तक उन बेरहम पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तुम लोग हिंदू मुसलमान ठेला वाला देखते हो तो बस मुसलमान है, उसको गालियां दो, ये करो, मारो, पीटो, इन्हीं काम में लगे हो। ये सब बंद करो, इस देश को बचाने के बारे में सोचो, गरीबों के तकलीफ को, उनके दर्द को दूर करने के बारे में सोचो। मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, जहां भी जो भी आपको पैदल चलता हुआ मिले, जो भी प्रवासी मजदूर, भाई बहन, माताएं, बच्चे, जो भी मिले उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको पानी का, भोजन का, जो भी इंतजाम आपसे बन सकता है आपकी ताकत क्षमता के अनुसार वो आप कीजिए। गाजियाबाद में कल हमारे साथियों ने, मैंने देखा मोहित अग्रवाल जी ने और उनकी टीम ने काफी लोगों की मदद की, मैं उन सभी साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं फिर से निवेदन करूंगा, आवाज उठाइए मजदूरों के हक में, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।